क्या हो? सवार भाई की मुसलसल कॉल आ रही है। मैं उन्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि बस हम बारात लेकर निकलने वाले हैं, अब इस कॉल का मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि हम कब तक वहां पर पहुंचेंगे? ये फहद कहाँ चला गया है? उसका फोन भी बंद आ रहा है। आज के दिन ऐसा कौन करता है? अब तुम ही बताओ कि मैं जवार भाई को क्या कहूँ। बाराती तो तैयार हैं लेकिन दूल्हे मियाँ लापता हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? से तो सैलून जाने का कह के निकला था। 2 घंटे पहले भी तुमने यही बात कही थी और अब भी तुम वही बात कह रही हो। अगर वो सैलून गया भी था तो अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। और ये फोन बंद करने की क्या तुक बनती है? बहुत ही लापरवाह इंसान है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो जवार भाई की कॉल आ रही है। ओए भुट्टे चिल्ला मत, ये ले अपनी ना होने वाली बहू की आशिक से बात कर। नहीं उठा रहे? अल्लाह खैर करे। अम्मी बाबा क्या हुआ, बारात क्यों नहीं आई अभी तक? तो मेहमान भी परेशान हो रहे हैं मुझसे कि बारात लेट क्यों। भाई हम क्या करें, वो लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। नजीर भाई फोन नहीं उठा रहे और फहद का फोन बंद जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पता नहीं भाई, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। तुम हौसला रखो ना। कैसे हौसला रखूं? आप किसी को फहद के घर भेजते क्यों नहीं, कुछ करें, पता कराएं, मेरा दिल फट जाएगा इस तरह। चला तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम मेहर के पास चली जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। मैं देखता हूँ। देखें वही हुआ जिसका डर था। यकीन है शबरेज ने कुछ ना कुछ किया होगा, सब उसी की कारस्तानी है। अम्मी तब वो लोग फोन नहीं उठाएंगे और असल बात पता ही नहीं चलेगी, हम उस पे शक ही करते रहेंगे क्या? मत सोचो ये सब बातें, बस दुआ करो कि सब खैर हो। चलिए नहर के पास चलते हैं। चलो। कौन हो तुम और ये गुंडे यहाँ क्यों भेजे तुमने? शबरेज बात कर रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हारा बेटा फहद, जिसकी बारात लेकर तुम लोग तैयार खड़े हो, वो मेरे पास है। क्या मतलब? तुमने हमारे बेटे को अगवा कर लिया? हाँ, और उसकी रिहाई जब भी मुमकिन है, जब तुम लोग इस शादी से इनकार करोगे। कहाँ है मेरा बेटा, हमारी बात कराओ उससे। जितना कह रहा हूँ उस पर अमल करो। ज्यादा बात की ना तो तुम्हारे बेटे की लाश भी घर भिजवा सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है? देखो तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेहर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा बेटा फहद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। मैंने ये बात उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं मानी। वो अभी भी मेहर से शादी करने पर बजिद है, इसलिए मजबूरन मुझे उसे अगवा करना पड़ा। मैं उसे जान से मारना नहीं चाहता, इसीलिए ये बात समझाने के लिए फोन किया। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो। एक शर्त पर, अभी मेहर के घर फोन करें और कहें कि आप बारात लेकर नहीं आएंगे। ये सब जानने के बावजूद हम पागल हैं जो उसके घर बारात लेके जाएंगे? मुझे मेरे बेटे की जिंदगी उस लड़की से ज्यादा कीमती है। प्लीज उसे कुछ मत करना, हम बारात लेके नहीं जाएंगे। आंटी आप तो बात बहुत जल्दी समझ गई लेकिन लगता है अंकल को बात समझ नहीं आई। नहीं नहीं, इन्हें भी समझ में आ गई। आप मेहर के घर फोन करें, बताइए हम बारात लेके नहीं आ रहे हैं। सवार साहब की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नजीर भाई। नजीर भाई यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अभी तक बारात लेकर नहीं आए। आपकी बेटी के आशिक शबरेज ने मेरे घर पर हुंडों को भेजा हुआ है और मेरे बेटे को अगवा कर लिया है उसने, और आप फरमा रहे हैं कि मैं बारात लेकर आ जाऊं आपके घर पे?